The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Aaj hum baat karenge aapke ऐसे बीमारी जो के अस्पताल से हॉस्पिटल से जन्म लेती है, जी हाँ, हॉस्पिटल से पैदा हो रही, आपके अंदर एटलीस्ट पैदा हो रही, यानी आप हॉस्पिटल जाते हैं और वो बीमारी लेके आते हैं, जी हाँ, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज नोसोकोमियल इन्फेक्शंस, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस. और आज के डेट में द नंबर वन नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज नन अदर देन COVID-19. जी हाँ, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन नोसोकोमियली बहुत हो रहा है, हॉस्पिटल में भी हो रहा है. सो पीपल हु गो टू द हॉस्पिटल, चाहे वो ओपीडी में जा रहे हैं, चाहे वो एडमिट हो रहे हैं, खासकर अगर वो एडमिट हो रहे हैं तो इशू क्या आ जाता है, और हॉस्पिटल एडवायर्ड इन्फेक्शंस क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल, और कौन से वायरसेस बैक्टीरिया इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस करते हैं, और उसका आपको सिम्टम क्या आएगा, कब आएगा, इस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे. तो नोसोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एक सीरियस प्रॉब्लम है जो हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को डील करना पड़ता है. हमें देखना होता है कि भैया अवॉइड हो, कितना भी हो सके कि आपको ना हो, राइट. और इसीलिए प्रिवेंटिव मेडिकेशंस, प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स की बात होती है. जब हम बात करते हैं ना कि एक पेशेंट कोविड के लिए एंटीबायोटिक कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है, फिर भी प्रिवेंटिव मेडिकेशन दी जाती है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए. अस्पताल में वो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, हॉस्पिटल में सेकेंडरी आपके अंदर वायरस बैक्टीरिया जाएगा ही जाएगा, ये हमें एक चीज़ माननी पड़ती है. चाहे कितनी भी क्लिनलीनेस हो, नहीं होगी तो और ज़्यादा जाएगा, नहीं होगी तो और ज़्यादा खतरनाक होगा. सो दोज आर द थिंग. सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब है कि इन्फेक्शन या तो हॉस्पिटल एडमिशन के 48 घंटे के अंदर अंदर हुआ है. फॉर हॉस्पिटल एडमिशन में 2 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपको 3 दिन के बाद हुआ, डिस्चार्ज के 3 दिन के बाद, या फिर ऑपरेशन हुआ है तो उसके 30 दिन बाद तक भी, ऑपरेशन के 30 दिन बाद भी हुआ है तो भी वो इसमें मान के चलते हैं आप. सो एक सेकेंड होल्ड करिएगा. सो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं किसी ऐसे कारण से जब आपको इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी इन्फेक्शन हो जाए, ये तो उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलेंगे. इसमें सबसे कॉमन होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑपरेशन हुआ तो उस ऑपरेटिंग साइट का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, दिमाग का मेनिनजाइटिस या निमोनिया, फेफड़ों का निमोनिया, ये सबसे कॉमन होते हैं. और इसमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है बुखार, खांसी, सांस फूलना, या कोई घाव है तो घाव में से जो डिस्चार्ज निकलता है, पस निकलता है या पानी निकलता है, हेडेक होता है, नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया या बर्निंग, यूरिनेशन, ऐसी चीज़ें, पेशाब में जलन, ऐसी चीज़ें हो सकती है. सबसे कॉमन इसमें बैक्टीरियाज जो होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं, फंगस भी होता है, ये तीनों कर सकते हैं. जबकि लेकिन सबसे कॉमन जो है 90% केसेस में ये बैक्टीरियाज होते हैं, 90% में. आज के डेट में थोड़ा कोविड वायरस ने इसको ओवरटेक कर रहा है, बहुत कॉमन हो गया कोविड वायरस लोगों को हो जाना. जितना भी कोशिश करें, हॉस्पिटल के अंदर एरोसोलाइज्ड होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. प्लस अगर कोई संदिग्ध पर्सन ऐसे कोविड वार्ड में एडमिट हो जाता है कि हाँ ये कोविड क्या सस्पेक्शन है, तो वो सस्पिशियस पेशेंट्स के साथ होता है, उसमें नहीं भी होता है तो उसमें चला जाएगा, राइट. इफ वहाँ उसने ज़रा भी मास्क हटाया, अपना कुछ ही नहीं किया, तो मास्क रहने के बावजूद भी थोड़ा बहुत तो इनोकुलेशन हो ही जाएगा. सो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई पीपल आर गेटिंग कोविड ऑल्सो फ्रॉम द हॉस्पिटल. और ऐसे ही बैक्टीरियाज भी हैं कोविड के अलावा, बैक्टीरिया जैसे कि स्टैफिलोकोकस ऑरियस सबसे कॉमन है, ब्लड में इन्फेक्शन होता है, स्टैफ ऑरियस, मर्सा बहुत ज़्यादा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, या वैनकोमाइसिन उसके रेजिस्टेंट भी, ऐसे सुपर बग्स हो गए या रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज के अगर हो गए
बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीटमेंट। और कौन से बैक्टीरिया है? ई कोलाय, एंट्रोकोकस और सुडोमोनास। सुडोमोनास एरिचिनोसा किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट रेस्पिरेशन में जाता है, ई कोलाय ब्लड में यूरिनरी ट्रैक्ट और वूंड में आता है, और एंट्रोकोकाय भी ब्लड और वूंड में आता है। सो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि ये एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है। और जो लोग हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल लोगों के साथ है, रूममेट हैं, प्राइवेट कमरा नहीं है, उनका रिस्क बढ़ जाता है। जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है, जिनको या तो एंटीबायोटिक नहीं चल रहे या बहुत टाइम से चल रहे हैं, बहुत रेगुलरली लेते हैं, दोनों केसेस में खतरा है। बहुत रेगुलरली लेते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं चल रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक कवर नहीं है, ऐसी चीज़ें। जिनको यूरिनरी कैथेटर डलता है उसको रिस्क है, जो आईसीयू में है उनको रिस्क है, जो लोग पेशेंट बेहोश है, जो चलता फिरता नहीं है उसको रिस्क है, हाँ कोमा में है या शॉक में है उनको रिस्क है, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है उनको रिस्क है। साइनस टैकीकार्डिया ईसीजी में तो कुछ चेंज नहीं है, ट्रॉमा करा लो, जनरलाइजेशन की ड्रॉप करा लो, टॉपिक भेज दीजिए, बिल्कुल सेकंड ईसीजी करा लेना थोड़ी देर में, फिर मैं देख लूँगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। और इसको फिर डायग्नोस करना एक वहाँ के डॉक्टर का काम है, फिजिशियन का काम है, कि पेशेंट आया था, मान लीजिए आप कहीं दर्द था, आपके पैर में चोट लग गई आए और अब आपका सांस फूलने लग गया। भाई सांस क्यों फूलने लग गया? या तो सांस में कोई क्लॉट चला गया है या तो कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर हम टेस्ट करते हैं, फिर हमें पता चलता है भाई छाती में तो इन्फेक्शन हो गया, पहले तो नहीं था, हॉस्पिटल एडमिट होने के 48 घंटे के बाद हुआ है, 48 घंटे में हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ होगा। सो ऐसे कई सारी चीज़ें आती हैं जो फिर आती हैं, इसीलिए टेस्ट लिया जाता है। अगर इसमें ये पॉइंट नहीं है कि भाई यहाँ से हुआ कि वहाँ से हुआ, ये होगा जब अगर बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ होंगे, एक जगह पे होंगे, तो वहाँ एक से दूसरे को इन्फेक्शन जाने का खतरा होगा, जो हो रहा है, जो कोविड में भी होगा, जो बाकी बैक्टीरियाज के लिए भी होगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है सही तरीके से हो, गलत तरीके से ना हो, ताकि आप अगर एंटीबायोटिक लेते हो तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है वो मर जाए। ये ना हो कि भाई मैंने लिया था, 5 दिन की दवा दी थी डॉक्टर, मैं 2 दिन में ठीक हो गया तो मैंने छोड़ दिया, उससे क्या हुआ, वो बैक्टीरिया कम तो हो गया, मे बी आपके पास में वो रेजिस्टेंट हो गया, आपने वो फिर बाद में अगली बार बीमार हुए, अगली बार आपके ऊपर वो एंटीबायोटिक काम नहीं किया और वो दूसरों को भी दे दिया आपने, और दूसरों के ऊपर पहली बार भी वो एंटीबायोटिक काम नहीं किया। सो दोज काइंड ऑफ अ थिंग नीड टू अ रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। और आज के डेट में ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा प्रॉब्लम है। सो और यस अगेन, किसी भी प्रकार का इस तरीके का निसोगोमियल आप हॉस्पिटल एडवाइड इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स, बेड रेस्ट और अकॉर्डिंग टू जैसा भी वहाँ पर होता है, मान लो आपका कैथेटर की वजह से यूरिन इन्फेक्शन है तो कैथेटर निकालना पड़ेगा, लंग के अंदर इन्फेक्शन है तो एक्सरे करके हम ये देखेंगे कि लंग के अंदर वायरस लग रहा है, बैक्टीरिया लग रहा है, वो पल्मोनोलॉजिस्ट जो चेस्ट फिजिशियन होते हैं उसके स्पेशलिस्ट को रिव्यू करा के देख सकते हैं। और अल्टीमेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आपकी बॉडी इन सारों से लड़ती है एक लेवल तक, वी हेल्प इट बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स, बाय लिक्विड्स, बाय मेडिकेशन, बाय हेल्दी डाइट, रेस्ट, फ्रेश फ्लूइड्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इसको? प्रिवेंशन के लिए अननेसेसरी एडमिशंस ना हो हॉस्पिटल के अंदर, जो है जितना हो सके कम लोग जाएं हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू में मिलने जाते हैं लोग, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। 10 लोग मिलने जाते हैं, एक को कोरोना है, वो दूसरों को दे जाता है, वो सबको दे जाता है। सो ये वेरी वेरी कॉमन है, कहाँ से हो रहा है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, अगर कोई ऐसा रेजिस्टेंट मैनेजमेंट, मतलब किसी का पता चल गया किसी को अंदर बहुत खतरनाक, ये बहुत खतरनाक वायरस है, तो उसको आइसोलेट, कोविड को आइसोलेट करो। कोई मेसिथिलिन ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, उसको पेशेंट को आइसोलेट करके ट्रीट करना होता है। हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, हाथ धोते रहो, आप जा रहे हो अस्पताल धो, डॉक्टर धोते हैं, हम तो लेके घूमते हैं, सारा करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। अपने अप्रोप्रिएट गेयर पहनने पड़ेंगे, शील्ड पहनना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, अपने देखो यूनिवर्सल मास्क पहनना चाहिए। आज ये बोला जा रहा है कि जहीं भी हो कहाँ भी हो मास्क पहनो, तो अस्पताल में तो पहनना ही है, अस्पताल में आके निकाल के बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। क्लेनलीनेस बहुत ज़रूरी है, और हॉस्पिटलों में, कई हॉस्पिटलों में ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ क्लेनलीनेस नहीं है, जहाँ पे बहुत मुश्किल है इस टाइप के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर योर बॉडी। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या करो।
जी हाँ, हॉस्पिटल से इन्फेक्शन होंगे, हॉस्पिटल से कोविड भी हो रहा है, हॉस्पिटल से बाकी इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, ये आज भी हो रहे हैं और पहले भी हो रहे थे। आज कोविड ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आपका खुद का नाक का मुंह ढकना बहुत ज़रूरी, आईज को ढकना बहुत ज़रूरी है, शील्ड बहुत ज़रूरी है, अस्पताल जाते हो निकालना नहीं, बाहर आके भी टच नहीं करना उसको, वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। हमने पहले भी कई बार समझाया तो आपको पता होना चाहिए क्या बेसिक प्रिकॉशंस हैं। अगर आप भर्ती होते हो तो भर्ती हो रहे हैं तो उसमें भी थोड़े प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, उसमें भी आपको मास्क पहनना है, आज के डेट में पेशेंट्स को भी मास्क पहनाया जाता है, उसमें भी आपको वो सारी चीज़ें प्रिकॉशंस रखने हैं, हाथ धोते रहना है, एवरी प्रिकॉशंस हैज़ टू बी मेड। सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक डेंजरस चीज़ है। कई पेशेंट्स हैं जो एक्चुअली मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर हमारा कोविड नहीं था, हॉस्पिटल गए तो हमें कोविड हो गया। पर इसमें क्या कर सकते हैं, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अगर ऐसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में एडमिट भी नहीं करेंगे पेशेंट को, और देखो कुछ जगह पे अननेसेसरी एडमिशन होते हैं, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या एडमिशन नेसेसरी है, क्या कोविड की इन्फेक्शन हो चुका है, क्या वो सस्पिक्शन है, सस्पिक्शन के साथ क्या ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है कि घर पे मैनेज नहीं हो सकता। वो एक लेवल आने के बाद तो एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबको नहीं, बहुत कम लोगों को, 5-10% लोगों को। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करो और अपने डॉक्टर के साथ मिल के काम करो ताकि ये बीमारी को हम प्रिवेंट कर सके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन चाहे कोविड हो या दूसरे उसको भी हम प्रिवेंट कर सके। दैट इज़ द आइडिया ऑफ गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।